हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। लेकिन गाइस, ये डोर पे कौन आ गया भाई? रुको मैं चेक करता हूँ। लेकिन अबे भाई, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? अरे भाई, मैं तेरे को एक बात बताऊं यार, आज रात मेरे को एक खतरनाक सा सपना आया था एंड उसमें एक मॉन्स्टर ने मेरे पे अटैक कर दिया। लेकिन भाई मैं उसको देख नहीं पाया, वहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा था ना। अबे भाई तू क्या बात कर रहा है, तेरे सपने में एक मॉन्स्टर आया, लेकिन वो कौन था? चल तेरे घर को चेक करते हैं, कहीं तेरे घर पे तो नहीं आ गया वो। हाँ भाई, घर पे तो नहीं होगा भाई, घर पे कहाँ से आ जाएगा, वो तो मेरे ड्रीम में आया था ना। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ भाई तेरे घर में। वैसे तेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, तू सेफ है एंड तू अपने घर में आराम से रह सकता है, ठीक है? हाँ भाई, वो तो मेरे को ही पता है कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है। हाँ भाई, लेकिन कोई ना कोई तो पक्का तेरे घर में होना चाहिए ना, जब तूने मेरे को बुलाया है। चल ऐसी बात है, कोई भी नहीं है तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है भाई, बाय बाय। वैसे तेरे घर में कोई है नहीं तो मैं जा रहा हूँ, मेरा काम क्या है यहाँ पे। ओके तो बाय बाय, जाऊँ क्या मैं? हाँ भाई चला जा, लेकिन तेरा रुकने का मन है तो रुक भी सकता है, कोई टेंशन नहीं है। वैसे भाई केक खाने चले बाहर, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, अबे भाई वो कौन है तेरे बेड के नीचे? आइसक्रीम हॉरर, ओ माय गॉड, आइसक्रीम हॉरर तेरे घर में है, भागो यहाँ से जल्दी। अबे भाई मेरे घर में आ फटाफट। तूने उसको देखा क्या? किसको देखा भाई? मैंने किसी को नहीं देखा, तू किसके बारे में बात कर रहा है? आइसक्रीम हॉरर मैन। क्या भाई, तूने कहाँ देख लिया उसको? मेरे को तो कहीं भी नहीं दिखा। अबे पागल, तेरे बेड के नीचे तो था वो एंड तेरे को पता नहीं है? तू अपने घर में कब से रह रहा है भाई? रुक, उसको मारने चलते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहा है। भाई देखा मेरे को, कहाँ पे है? मेरे घर में। हाँ भाई, तू पागल बना रहा था क्या मेरे को? मेरे को पता था तू मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, देख यहाँ पे कोई भी नहीं है। अबे यार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई था एंड वो आइसक्रीम हॉरर था। तू मेरी बात नहीं मान रहा है भाई, लेकिन चल कोई बात नहीं, तू मेरी बात नहीं मान रहा है ना, चल रुक, मैं तेरे को यकीन दिला के रहूँ कि यहाँ पे वो आइसक्रीम हॉरर था। एंड इस बात का पता लगाने के लिए मुझे तेरे घर के अंदर लगाने पड़ेंगे CCTV कैमरास। भाई मतलब वो मजाक नहीं है, मतलब वो सच में था क्या यहाँ पे? तू मजाक तो नहीं कर रहा है भाई, सच में पूछ रहा हूँ मैं। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में तेरे बेड के नीचे मैंने आइसक्रीम हॉरर को देखा। एंड अगर तुझे विश्वास नहीं आ रहा है तो मैं उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे कैमरा भी लगा सकता हूँ एंड फिर हम लोग आराम से रिकॉर्ड कर लेंगे कि कौन तेरे घर में आता है एंड कौन उस बेड के नीचे था। हाँ भाई, ये आइडिया एकदम मस्त है एंड इसके जरिए हम लोग सब कुछ पता लगा सकते हैं। एंड भाई तब तक के लिए मैं तेरे घर में तो रह सकता हूँ ना? हाँ, तू मेरे घर में रह के यहाँ पे आराम से चेक कर सकता है। लेकिन भाई ये देख, तेरे घर का कैमरा चालू हो चुका है। लेकिन भाई मुझे ये बता कि तेरी एज कितनी है? भाई मेरी एज तो 13 ईयर्स है, लेकिन तुझे क्या हुआ, क्यों पूछ रहा है? अबे भाई तू तो बच्चा है, फिर ये वीडियो क्यों तू बना रहा है भाई? गाइस आप लोग कमेंट करो कि आपकी एज कितनी है, फटाफट से नीचे कमेंट के अंदर कमेंट करो कि आपकी एज कितनी है। ओके तो कैमरा चालू है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन भाई तेरे घर के अंदर से कोई आ रहा है। हाँ एंड भाई तू तो सच कह रहा था, ये तो आइसक्रीम हॉरर है एंड ये तो मेरे घर में कहाँ से आ रहा है ये? भाई ये तेरी लाइब्रेरी के अंदर से सीक्रेट बेसमेंट में रहता है एंड तुझे इस बारे में पता भी नहीं है। हाँ भाई मेरे को नहीं पता है, इसने खुद ही बनाया है इसका मतलब। एंड हाँ भाई ये देख, ये तो मेरे को ढूंढ रहा है, इसका मतलब ये आज मेरा काम तमाम करने वाला था। हाँ भाई अच्छा हुआ मैंने तेरे को बचा लिया भाई, वरना आज के अलावा तू कभी निकल नहीं पाता बाहर। वो देख वो फ्रिज के पास खाना खा रहा है भाई, इसको बहुत ही भूख लग रही है, खाना भी खाता है ये एंड उसके बाद ये तेरे को खाता, मेरे को खाता एंड हमारे सारे से सारे विलेजर्स को भी खा जाता। हाँ भाई एकदम ठीक कह रहा है एंड अब ये क्या करेगा, इसकी तो भूख मिट चुकी है वाटरमेलन खा के, एंड अब क्या करने वाला है? हाँ ये तो बाहर गया, बाहर क्या करेगा भाई ये? भाई पता नहीं बाहर क्या करने वाला है ये, लेकिन छोड़ो यार इसको, पता नहीं अभी क्या क्या करने वाला है। लेकिन भाई अब तुझे विश्वास हो गया ना कि तेरे घर के अंदर आइसक्रीम हॉरर रहता है?
हाँ भाई मेरे को विश्वास हो चुका है, मैंने तो अब उसको देख लिया। तो भाई वो बाहर आया है एंड अब हमें बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत खतरनाक है, हमें फ्रीज कर देगा। नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम लोग डरपोक बिल्कुल भी नहीं है एंड हम उस आइसक्रीम हॉरर को बहुत ही खतरनाक वाली सजा देंगे एंड उसको बहुत ही बड़ा पनिशमेंट देंगे। लेकिन उससे पहले भाई ये देख, वो यहाँ पे था ना, हमें चेक करना पड़ेगा कि वो कहाँ से आया था। मुझे लगता है कि वो यहीं से आया था। हाँ भाई ये देख, अरे भाई यहाँ तो एक सीक्रेट बेसमेंट है जहाँ से वो आता है। पहले इसको चेक करते हैं इसके अंदर क्या क्या है, क्या पता इसके अंदर हमें कोई क्लू मिल जाए। हाँ भाई हमें सब कुछ मिल सकता है, चलो इसके अंदर चल के देखते हैं कि ये रहता कहाँ पे है। ओके तो बहुत बड़ी बेसमेंट लग रही है, कहाँ तक जा रही है ये। हाँ भाई इसको चेक करते हैं। अरे भाई ये देख, यहाँ पर तो कोई जेल जैसा कुछ है। अरे यहाँ पर तो भाई बेड पड़ा है, मतलब वो यहीं पे रहता है, खाता है एंड सोता है, वो सारे काम यहीं पे करता है एंड देन जब उसको भूख लगती है तो वो ऊपर आता है। माय गॉड, मतलब वो इतने सालों से यहाँ पे रह रहा है कि पूरा खंडर बना दिया है उसने एंड हमें उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है भाई। लेकिन हमें अब सब कुछ पता लग चुका है उसके बारे में एंड आज हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ भाई आज हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। एंड भाई तू ये देख, इसके अंदर तो सारा सामान मेरा है, डायमंड, गोल्ड, एमरल्ड, भाई सारा कुछ तो मेरा ही है ये। हाँ भाई ये सारा सामान तेरा है, लेकिन क्या तेरे को पता ही है यहाँ पे कैसे आया? हाँ भाई वही लेके आया होगा। सो गाइस टाइम आ चुका है इस खतरनाक से आइसक्रीम हॉरर को पकड़ने का, लेकिन हम लोग इसे कैसे पकड़ेंगे भाई? अबे भाई इसको पहले पकड़ना नहीं है हमें, मैं तो भूल ही गया यार, हमें पहले इसके ऊपर निगरानी रखनी है। हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं सीसीटीवी कैमरास जो कि हमें पूरी की पूरी पिक्चर देने वाले हैं कि आखिर ये आइसक्रीम हॉरर यहाँ पे करता क्या है। एंड मैं एक काम करता हूँ, इसके बेड के नीचे लगाता हूँ बहुत सारे TNT एंड फिर ये इनके अंदर फंस जाएगा एंड शायद वो मर भी सकता है। ये ट्रैप बहुत ही काम करने वाला है। हाँ ये ट्रैप बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ऐसे तो वो मर जाएगा एंड फिर वो कभी मेरे घर में नहीं आएगा भाई, एकदम मजे आ जाएंगे फिर तो। हाँ भाई लेकिन पहले वो यहाँ पे आए तो एंड फिर इस बेड पे लेटे तो तभी तो हम लोग इस TNT को ब्लास्ट कर पाएंगे। लेकिन रुक भाई मेरे पास एक और आइडिया है, मैं लावा की बकेट को यहाँ पे लगाने वाला हूँ इसके अंदर एंड जैसे ही वो आइसक्रीम हॉरर यहाँ पे आएगा ना उसके ऊपर ये लावा गिरेगा देन नीचे TNT फटेगा तो दोनों तरफ से अटैक होगा एंड शायद वो कुछ दिनों के लिए मर सकता है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। भाई अब तो वो बचेगा ही नहीं क्योंकि वो यहाँ पे आएगा तो लावा गिर जाएगा या फिर वो सोएगा तो TNT फट जाएगा एंड वो सोएगा तो जरूर भाई अब तो उसका मरना तय है, वो तो बच ही नहीं सकता। हाँ भाई मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब उसका मरना तय है एंड हमारी जीत पक्की है। लेकिन चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं भाई फटाफट से। ओके भाई लेकिन रुक, हमें एक ट्रैप यहाँ पर भी बनाना चाहिए क्योंकि हमें लगता है कि अगर वो यहाँ से बाहर निकल गया एंड वो उसने बाहर कहीं भागने की कोशिश करी तो वो हमारे इस ट्रैप में फंस के यहीं पे नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे ट्रैप बनाना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ट्रैप बनाने वाले हैं। हाँ चलो बनाते हैं इसको, इसको बहुत ज़्यादा गहरा बनाएंगे ताकि वो यहाँ से निकल ही ना पाए एंड भाई वो एक बार यहाँ पे फंस गया तो हम उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ भाई तूने सही कहा, अगर वो एक बार यहाँ पे फंस गया ना तो हम उसको पुलिस के हवाले कर देंगे एंड पुलिस को उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, यह बहुत ही मजा आने वाला है भाई, हमारे सारे दुख दूर होने वाले हैं क्योंकि तेरे को जो परेशान किया है ना आइसक्रीम हॉरर ने रातों में, मैं उस सभी का बदला लूंगा। मतलब तेरे को दुख मिले वो मेरे दुख ही तो हुए क्योंकि तू मेरा भाई है भाई। हाँ भाई एंड भाई यहाँ पर तो हम सब कुछ बना दिए हैं लेकिन भाई सोच अगर वो नहीं मरा फिर हमारा क्या होगा। यार ऐसी बातें मत किया कर, तू नेगेटिव क्यों सोचता है यार, हमेशा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव, हम उसको पकड़ लेंगे 101% श्योर। तो ठीक है भाई, वो एक बार मर गया फिर तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी एंड हमारे सारे के सारे ट्रैप कंप्लीट हो चुके हैं।
नहीं भाई, तू गलत बोल रहा है, हमारे ट्रैप कंप्लीट हुए नहीं है, होने वाले हैं, वेट कर, अभी इसको चेक करता हूँ। ओके, ये देख भाई, सैंड के ऊपर ट्रैप बहुत ही मस्त बना हुआ है, एंड अब जैसे ही आइसक्रीम हॉरर यहाँ पे आएगा वो उसके अंदर फंस जाएगा। ओके भाई, ये देख, हमारा सीसीटीवी कैमरा चालू हो चुका है, एंड हमें सिर्फ वेट करना है उसके आने का, कि वो कब आएगा। आइसक्रीम हॉरर बाहर से आ चुका है, ओ माय गॉड। अबे भाई, अब वो जा रहा है नीचे, लेकिन उसे नहीं पता है कि हम लोगों ने उसके बेसमेंट में जाकर वहाँ कैमरे लगा दिए हैं। हाँ, अब तो वो गया भाई, अब वो नहीं बचेगा। चलो यहाँ पे चेक करते हैं, वो यहाँ पर आता ही होगा कुछ ही देर के अंदर। चलो उसको आने दो, आजा आजा आइसक्रीम हॉरर, आजा, आ गया आइसक्रीम हॉरर। लेकिन वो तो अपना केक खाने के लिए आया है, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी होगी। अबे इसको हर टाइम भूख ही लगती रहती है क्या? अभी ये घर से खा के गया था, एंड बाहर खा के आया है, एंड दोबारा खा रहा है भाई। हाँ, अब क्या कर रहा है भाई, ये पागल तो नहीं हो गया है? खा खा के पॉटी करता रहता है भाई हर समय। और भाई, इसको पता नहीं है कि हमने इसके लिए बहुत ही खतरनाक ट्रैप बनाया है। इसके बेड के नीचे TNT बिछे हैं, एंड ऊपर दीवार के ऊपर लावा लगा हुआ है, इससे कुछ भी नहीं पता बेचारे को। हाँ, एंड भाई यहाँ से भागा भी तो इसके लिए बाहर ट्रैप वेट कर रहा है, ये बाहर जाएगा तो फंसेगा। एंड ये कर क्या रहा है, ऐसे सोता है क्या ये? हाँ यार, ये क्या कर रहा है? हेलो आइसक्रीम हॉरर, क्या मेरी आवाज तुम्हारे तक आ रही है? अगर आ रही है तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। अरे वाह, ये आइसक्रीम हॉरर मर गया। हाँ, भाई ये क्या हो गया, आइसक्रीम हॉरर अभी जिंदा है। यार ये मरा क्यों नहीं, एंड लावा काम क्यों नहीं कर रहा है भाई, लावा गिर क्यों नहीं रहा है? टाइम नहीं है हमारे पास, वो भाग जाएगा वरना। अबे इसका मतलब ये है कि हमारे सारे के सारे ट्रैप फेल हो चुके हैं। अबे लावा गिर चुका है भाई, इसके ऊपर गिर जा प्लीज लावा। अरे ये तो लावा से बच गया भाई, अब क्या करें? यार ये बहुत चालाक है, एंड ये यहाँ से जा रहा है। यार ये तो बच गया, शिट यार। लेकिन भाई अब क्या करें? चलो बाहर वाले कैमरे को चेक करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। चलो चेक करते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। इसको आने दो, आने दो, फटाफट ऊपर आजा आइसक्रीम हॉरर, हम लोग तेरा वेट कर रहे हैं। आजा बेटा आजा, बाहर तेरे लिए एक और ट्रैप बना के रखा है, जा। ओ आई थिंक वो फंस गया, चलो चेक करते हैं जल्दी फटाफट। चलो 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 भाई, अब मजा आएगा ना, अब तो वो फंसा है भाई, ये देख मैंने इसको फंसा दिया फाइनली। अरे वाह, ओ वाह भाई, फाइनली हमने ये कर दिखाया। अबे ये ले आइसक्रीम के बच्चे, मैंने तेरे को पकड़ लिया, अब तू क्या करेगा भाई, हम लोगों ने कर दिखाया।